बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कश्मीरी लाइफ में आपका खैर मुकदम है। मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ आप लोग खैरियत और आफियत से होंगे। आज हम आए हैं अशमुकाम की मशहूर जियारत हजरत जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के स्थान पे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट किया है। हमारा सफर जारी है अशमुकाम के मशहूर स्थान जा रहे हैं इस टाइम हम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पराठा बनाना स्टार्ट किया है यहाँ पे भाई ने, बिजनौर वाले भाई है। भाई का नाम मोहम्मद सईद। भाई हमारे लिए स्पेशली पराठा बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त ऑथेंटिक। अगर आप कश्मीर आओगे कभी इस पराठे को जरूर ट्राई कीजिएगा। स्पेशली ये अस्तानों पे मिलता है, अस्तानों के बाहर स्पेशली होता है ये। इसको हम तबरूक की तरफ पेश करते हैं, घर ले जाते हैं, उसको तबरूक बोलते हैं। अल्लाह ताला के फजल करम और एहसान के साथ हमारा सफर जारी है। इस टाइम हम अशमुकाम अस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं। माशाल्लाह हमने लगभग 30% सफर क्रॉस किया है, अभी बहुत ऊपर जाना है। ये देखिए नानवाई, ऑफिशियल नानवाई है कश्मीर के, इसको हम क्रिप बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त ये कुलचा है और ये तंदूर बकर खानी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबरदस्त उम्दा, चलने का बहुत ही अलग ही मजा आ रहा है इस टाइम। चाचा अस्सलाम वालेकुम। एक बार कश्मीर जब भी आप विजिट करोगे एक बार अशमुकाम के स्थान पर जरूर तशरीफ लाइएगा। बहुत ही उम्दा किस्म का एक्सपोजर मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आर्ट दर्शाया गया है, ये वुडन वॉच, इसमें पेन भी है। ये वना बत चोच ये पे सह थोद कहो। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हमारे व्यूअर्स बहुत कम हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे व्यूअर्स भी बढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र जारी है, अभी यहाँ पर टर्न लेना है हमें।
ये देखिए माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम चाचा। आला किस्म का एक्सपोजर, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही उम्दा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम ज़ियारत की गेट पर पहुंच गए। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा, अब हम अंदर जाएंगे, वीडियो में बने रहेगा। शाम सूरज डलिए डलिए, तेरा हुसैन दीन वली नाम, दरबार जाने दिल में फलिए, तेरा हुसैन दीन। मेरी एक डूबी हुई कुम है, हमें मुसीबत झेलने इसलिए पड़ते हैं क्योंकि हम लोग खुद खराब हैं। ये देखिए कितनी गंदगी है, बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है। जी नहीं कर रहा था मुझे यहाँ वजू बनाने का, लेकिन क्या करे, नमाज अदा करनी थी, वजू बनाना पड़ा। अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, यहाँ का इंतजाम देखिए, इतनी आमदनी है इस स्थान में, फिर भी यहाँ वॉशरूम अभी तक पक्का नहीं बना है, अभी भी पुराने तर्ज का है। बहुत ही अफसोस हो रहा है मुझे, करोड़ों की आमदनी होगी यहाँ पे। आखिर ये पैसा जाता कहाँ पे है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। काम की ज़ियारत एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर है। हजरत सखी ज़ैनुद्दीन का मकाम इन पहाड़ों की बुलंदियों से भी कहीं ऊंचा है। हजरत ज़ैनुद्दीन शेखुल आलम नुंद ऋषि के महबूब खलीफा और मुरीद थे। हजरत सखी ज़ैनुद्दीन का पैदाइशी नाम ज़िया सिंह था। उनका ताल्लुक किश्तवाड़ के एक राजपूत घराने से था। सखी ज़ैनुद्दीन की पैदाइश से पहले ही राजवाड़ों की लड़ाई में उनके वालिद का कत्ल कर दिया गया। ड्रिंकिंग वाटर की हालत देखिए यार, बहुत ही गंदगी है यहाँ पे यार। तो यहाँ की अवकाफ कमेटी से गुजारिश है, प्लीज़ और प्लीज़ इन जगहों को ठीक कीजिए, ये आप लोगों की शान है, इस शान को ज़ाया मत होने दीजिए। भाई लोग यहाँ 274 स्टेयर्स हैं यहाँ पे, मन नहीं करता था यहाँ आने का, लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बहुत ही दुख हुआ ये देखकर, यहाँ की हालत देखकर बहुत ही दुख हुआ। करोड़ों की आमदनी होके भी इतना वीक एडमिनिस्ट्रेशन, इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। चूंकि यजन जियारत आलिया हजरत सखी जैनुद्दीन वरी ऋषि रहमतुल्लाह यह गई साढ़ शे हथ वरी यह गार शरीफ इस नेचुरली हज बेस त्रोव साहब इन तिंद मजार हरकन तो यम गार शरीफस मज बिजी बजाहिर मदफून करम कंस इन कल मतलब हजरत ख्वाजा खजर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द्राय तमे तरीक द्राय यम तो यमें दुनिया बहरहाल तुम वो ये मतलब ये मतलब एकामडेशन से वो तुम कह कलील पुराने वक्त आयिशन ये तमीर तरक्की यह कर्मुत ये लोकल अवकाफ ये लोकल वारी तम वो पुराने असलाफो कर्मुत अत्य कम हको तमीर कह अम पत वो तम पत आये गवर्नमेंट वारिया चूंकि ये पावर सिस्टम यह बख्शी गुलाम महमदीन वक्त यह हेड ये खतव यह बख्शी गुलाम महमदीन वक्त ये जन वाटर सप्लाई स्कीम यह बख्शी गुलाम महमदीन वक्त उल चूंकि जहस मन बनो मुफ्ती महमद सईद तम कम हको तम दिकीम अख पे वाटर सप्लाई स्कीम बे अथ मज पहल उमर अब्दुल्ला सेम पत गो ये कलाई ऐसे डैमेज तम दुत अत कम हको क्या पोस मगर सू रूद बे तथे क्या गई कंस्ट्रक्शन क्या रूद इतने मगर चूंकि अक्ष अफसोस कह वक् बोर्ड पंच शतव वरी हेत पकन वक् बोर्ड सेमी गवर्नमेंट वारिया वी सी बदले आज ब्या पकाय ब्या पकाय मगर तुम वो कम से कम उस वक् बोर्ड कोता पोस खर्चो ये बिल्कुल वक् बोर्ड कर्मुत टूरिज्म टूरिज्म डिपार्टमेंटन कम लैटरिन पॉइंट पांच शे बन टूरिज्म डिपार्टमेंटन हरकन पार्किंग सब बनो टूरिज्म डिपार्टमेंटन यथ कनहल सेलिंग पे दिवन यह बनो टूरिज्म डिपार्टमेंटन चूंकि अगर ओवरहाल वो वक् बोर्ड मतलब इन वरियन मज क्या आमुत कर मे बासान अगर सह तोल त्रकड़ मे तम रोपये दह या वह लक्ष तेन कुछ ये मदरस अख चलान ये लैटरिन पॉइंट कह एन एस एन दिन आज ब्रो पांच हठ वरी चूंकि तम बनान पत्न तम अत हकन मतलब रिपेरिंग कर स्कूल के तरफ मदरस मतलब यमे के तरफ से कम पोस तुलान अगर टैंकी फट सन नलकस सिस्टम गराब सन मगर यह आज पॉइंट कलील आज पान तक जहरीन ओर वसान हत पिशाब लैटरिन मतलब सिस्टम यह सिस्टम ये कने शायद ज्यादा वह अत पोस वक् बोर्ड पोस पन लाभ यह हर कह नजर थान गवर्नमेंट डी एस ओर मतलब तम दिन मतलब अलाक दिन तम मतलब ये गाम दिन कीज ज्यादा ये पन बैंक पन बैंक पे शॉप पे यह बाग ढाई हथ कनाल पन अस्तान के तरफ ये वन अगर ये आज लोकल बॉडी आ मुमकिन तमन सरह कम मतलब यह फलन जाए यह बना फलन जाए चूंकि ये सेमी गवर्नमेंट वक् बोर्ड चलान वक् बोर्ड पे मतलब आफिसर्स तमन वन हे फलन चीज कर मगर तम से तस मसल तुम पान नत डोनेशन लगभग करोड़न बिल्कुल मतलब तुहद सिस्टम खराब आने सी ये मतलब लोकल असर पे मतलब तुम वो तुम तो गिल शिकल शायद से रेस्पियर तम मान तम मगर तम तीन रेस्पियर तीन आज रेस्पियर तहरी महाज साहब चलो शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, हम निकल गए हैं यहाँ से। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मुझे और ये भी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ और प्लीज़ यहाँ पे शिरक मत कीजिए। अगर आप शिरक करोगे तो ये बेअदबी होगी, यहाँ के जो वली रहे हैं उसके साथ बेअदबी होगी। मेहरबानी करके कुरान के मुताबिक चलिए, कुरान हमें सही रास्ता दिखाता है, उसके मुताबिक चलेंगे तो अल्लाह भी हमें खुश होगा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होगा। तो ये था आज का सफ़र हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अशमकाम आए थे हम। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, आगे भी चैनल को देखते रहिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिए।
शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए, फजल फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ अपने मेजबान बट इश्फाक को दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली रेसिपी या अगले जगह के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।